हमारा डीएनए और नीतीश जी का डीएनए एक है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग दर्जनों लोग राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में। डील तो भाजपा करती है, हमारे यहाँ डील नहीं होती है, हमारे यहाँ तो मिलजुल है। उपेंद्र कुशवाहा कौन होते हैं कहने वाले डील? कैसे कह देंगे डील? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। शक्ति यादव, जिस तरीके से अभी बात चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं बीजेपी के जाने तरफ बात कर रहे हैं और आई सब कोरी कल्पना है। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और लगातार वो ये दावा भी करते रहे हैं कि हमारा डीएनए और नीतीश जी का डीएनए एक है। भाजपा व्याकुल है इस बात को लेकर के कि महागठबंधन सरकार के जो कार्यक्रम है वो धरातल पर गांव और कस्बों में पगडंडियों में हर घरों तक पहुंच रही है। भाजपा बिहार में प्रभावहीन हो चुका है, तो भाजपा के अंदर बेचैनी तो स्वाभाविक है। तो उस बेचैनी का नतीजा ये है कि अपना कुछ कुछ बोलते रहती है भाजपा, लेकिन यहाँ कुछ मिलना उलना नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहे हैं कि जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग दर्जनों लोग राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क बिल्कुल। लेकिन मैं ये आने वाले कल में बता भी दूंगा कि भाजपा के कई एमएलए खुद भाजपा से पिंड छुड़ा कर करके महागठबंधन आना चाह रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं कि नीतीश कुमार ये जवाब दे, बैठक करे कि आखिर राजद की तरफ से क्या डील हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे शक्ति यादव? डील तो भाजपा करती है, हमारे यहाँ डील नहीं होती है, हमारे यहाँ तो मिलजुल है। डील वही हुआ है, उसको लेकर सवाल बार कौन सा डील के कह रहा है डील? उपेंद्र कुशवाहा कौन होते हैं कहने वाले डील? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कैसे कह देंगे डील? अब जिसका जिसका डील है वो जाने डील, हमारे यहाँ कोई डील नहीं होता, कार्यक्रमों है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, सुशील मोदी बोले हैं कि लालू यादव बिहार में आएंगे तो एक बड़ा खेला होगा, अगर डील का बात सुसरा नहीं हुआ। लालू आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में आएंगे तो भाजपा बिहार मुक्त हो जाएगी, देश मुक्त की तरफ बढ़ जाएगी भाजपा। ठीक है, हमारे साथ शक्ति यादव थे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डील राजद की तरफ से नहीं बीजेपी वाले की तरफ से हुआ है और जब लालू प्रसाद यादव बिहार में आएंगे तो भाजपा मुक्त हो जाएगी सरकार और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से डील वाली बात को लेकर शक्ति यादव ने क्लियर कर दिया है कि डील कुछ नहीं हुआ है, कहाँ डील हुआ है, राजद कहाँ कोई डील किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसे हम उस कोई लेना देना नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के साथी हैं, उनका जो योगदान है नीतीश कुमार के लिए उनके पार्टी में बहुत अहम है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया है। इन्वेस्टिगेशन अलग विषय है, लेकिन हम तो शंका नहीं करते। लेकिन दिसंबर में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था जनवरी में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कौन सा जनवरी कब, तो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी और पूरी कार्यक्रमों का नेतृत्व वही कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पूरा तरह से सरकार को सहयोगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्यक्रमों को जवाब पर आकर करके जमीन पर उतार रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।